पटना जिला के बार अनुमंडल के भादौर थाना अंतर्गत कलकलिया पोखर गांव खजुराड़ स्थित बाल गोविंद खंदा में बीती 26 मार्च को एक अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसका शव पुलिस ने बरामद कर लिया था। इस घटना का खुलासा पटना पुलिस ने कर लिया है। इस हत्याकांड को अंजाम पत्नी के विवाहेतर प्रेम प्रसंग में दी गई थी। मृतक की पहचान राजीव कुमार पिता स्वर्गीय बृजनंदन सिंह प्रसाद तुलसीगढ़ चंडी नालंदा के रूप में की गई है। इस मामले में मृतक की पत्नी समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है। बाढ़ एएसपी ने गुरुवार को हत्याकांड पर से पर्दा हटाते हुए बताया कि बीती 26 मार्च को भादौर थाना अंतर्गत ग्राम कलकलिया पोखर खजुराड़ स्थित बाल गोविंद खंदा में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव बरामद हुआ था और थाने में मामला भी दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में भदौर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अज्ञात मृतक एवं संदिग्ध अज्ञात अपराध कर्मियों का पता करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। मामला दर्ज होने के 48 घंटे के पश्चात तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेते हुए कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया। उन्होंने बताया कि कांड में विवाहेतर प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। अग्रतर अनुसंधान के अनुसार मृतक की पत्नी शोभा देवी उर्फ गुड़िया, पति स्वर्गीय राजीव कुमार एवं उसके सहयोगी संजीव कुमार पिता उमेश एवं अटल बिहारी पिता देवकांत झा छतियाना हरनौत जिला नालंदा इस घटना में संलिप्त रहे। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल रेडॉन टीवीसी रजिस्ट्रेशन संख्या BR215751 बरामद की है। हत्या के संबंध में रकम भी दी गई है, जिसकी जाँच की जा रही है। अन्य संदिग्ध अभियुक्तों के बारे में जाँच व छापेमारी जारी है। क्या मामला सर, किसमें गिरफ्तारी हुई है लोगों की? आप देखिए, जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, 26 मार्च को भदौर थाना अंतर्गत खजुरार गांव के पास डाल इलाके में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और प्रारंभिक रूप से पता चला कि गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में भदौर थाने में कांड संख्या 2722 दिनांक 26 मार्च को अंतर्गत धारा 302 120 बी 201 और 34 IPC के तहत एक कांड दर्ज किया गया था। अग्रिम अनुसंधान के क्रम में सबसे पहले थाना स्तर पर जो सीमावर्ती थाने हैं पटना जिले के, उनसे सूचना संग्रहित की गई थी और हमको कोई जानकारी नहीं मिली थी। उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि नालंदा जिले में चंडी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के मिसिंग होने की खबर सामने आई है और उस दिशा में जब अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो थानाध्यक्ष भदौर यहाँ पर हैं और तकनीकी टीम है हमारी, इन लोगों के की एक टीम गठित की गई जिन्होंने अग्रिम अनुसंधान किया है और लगभग विद इन 48 आवर्स इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें जो मृतक हैं, जिनकी लाश खजुरार के पास भदौर थाना अंतर्गत डाल इलाके से बरामद हुई थी, उनकी पहचान राजीव कुमार पिता स्वर्गीय बृजनंदन सिंह प्रसाद ग्राम तुलसीगढ़ थाना चंडी जिला नालंदा के रूप में की गई है। और इस कांड के उद्भेदन में विवाहेतर प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। इस अनुसंधान में जो मृतक की पत्नी है शोभा देवी उर्फ गुड़िया, उनके एक तथाकथित प्रेमी संजीव कुमार पिता उमेश प्रसाद, ये भी छतियाना हरनौत थाना के हैं, और तीसरे जो इनके प्रेमी हैं संजीव, उनके मित्र अटल बिहारी पिता श्री देवकांत, ये भी थाना हरनौत जिला नालंदा के रहने वाले हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।